हर्षवर्धन और भोपाल के मिंटो हॉल में अल्टरनेट प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग वर्कशॉप किया गया। सेमिनार में मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने कहा कि निजी निवेशक तभी आएगा जब उसे भरोसा होगा। इसके लिए पीपीपी मॉडल ही सबसे बेस्ट विकल्प है। केंद्र सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए कानून बनाना चाहिए ताकि उन्हें भरोसा निर्मित हो। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि आर्थिक गतिविधियां बनी रहें, इसके लिए निवेश बढ़ाना होगा। पूरा देश बदल रहा है, हमें भी बदलाव में को स्वीकार करना होगा और उसके हिसाब से ही अपनी नीति और कार्यक्रम बनाने होंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि ये योजना सिर्फ सड़क निर्माण से ही जुड़ी नहीं है, ग्रामीण व्यवस्था को गति देने वाली योजना है। इससे मिट्टी गिट्टी रोजगार के अवसर बने, गतिविधियां तेज हुई, आर्थिक विकास हुआ। प्रदेश में बजट की तैयारियों को लेकर मंथन चल रहा है इस वक्त। तमाम जो मंत्री शामिल हुए हैं, सर आज मोंटेक सिंह अहलूवालिया जी आए थे, क्या लगता है कि बजट कितना बेहतर बनेगा? मोंटेक सिंह अहलूवालिया का जी का जो व्याख्यान था पूरे मध्य प्रदेश के डेवलपमेंट और मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति को संपन्न बनाने के लिए था, और अगर इस पर हम लोग अमल करेंगे, जो बजट आ रहा है बजट में उनके हिसाब से भी कुछ जो बिंदु मध्य प्रदेश के लिए हितकर हैं उनको शामिल करेंगे। हमारे साथ नगरी प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह जी भी हैं। जयवर्धन सिंह जी, जो आज डिस्कशन हुआ, क्या लगता है कितना फ्रूटफुल होगा मध्य प्रदेश के लिए? इससे बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि हर सरकार को बजट के माध्यम से किस प्रकार से हर हेड के अंतर्गत, हर मध के अंतर्गत पैसा कैसे सही यूटिलाइज हो वो प्लान करना चाहिए। इसके साथ साथ जो आज की जो मेन टॉपिक थी कि फाइनेंसिंग के लिए और कौन कौन सी वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती हैं, उसके बारे में आज विशेष चर्चा हुई है। और हर विभाग को ये सोचना भी चाहिए कि कौन कौन से ऐसे और ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है जिसके माध्यम से हम नए प्रोजेक्ट्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, एनर्जी में हो, इरिगेशन में हो, इनको हम कैसे फंड कर सकते हैं। वैकल्पिक फाइनेंसिंग को लेकर, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग को लेकर कितना आपको लगता है कि हम इस पर आगे बढ़ पाएंगे, मध्य प्रदेश आगे बढ़ पाएगा? देखिए, मध्य प्रदेश जो है हर दृष्टि से बहुत पोटेंशियल है, और पहले माननीय मनमोहन सिंह जी आए, अहलूवालिया जी आए, जो उन्होंने विजन रखा है, निश्चित रूप से जब कोई काम प्लानिंग के साथ होता है तो उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं। सर, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जो जनता है वो परेशान है, ज्यादा टैक्स आप लोग लगा रहे हैं और सेमिनार करवा रहे हैं, तो ये सेमिनार पे ज्यादा खर्च हो रहा है, इस तरीके के वो आरोप लगा रहे हैं, और उनको लगता है कि सरकार अगर टैक्स कम कर दे, लोगों को सहूलियत दे दे, तो शायद उनकी आवश्यकता ना हो। गलती उनकी नहीं है, वो 15 वर्ष केवल उन्होंने गौ माता के नाम के ऊपर समय गुजारा, राम जी के नाम के ऊपर समय गुजारा, और मध्य प्रदेश बर्बाद होता रहा और 2.25 लाख करोड़ के कर्जे पर छोड़ा है, इसलिए वो जैसे थे वैसे ही अब आगे भी सोचते हैं। हमने बात की डॉक्टर गोविंद सिंह से, हमने बात की जयवर्धन सिंह से और बृजेंद्र सिंह राठौर जी से, जिनका कहना यह है कि जो आज का सेमिनार है, जो सेशन रहा, वो काफी फायदेमंद रहेगा मध्य प्रदेश के लिहाज से, मध्य प्रदेश की जनता के लिहाज से। जहां तक बात विपक्ष के सवालों का है, तो उनका काम है आरोप लगाना। कैमरामैन अनिल के साथ सर श्रीवास्तव, न्यूज 18।